श्री रुपेश पाटिल चित्रकार, उन्होंने नेहरू सेंटर में ग्रामीण कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया है, उसके पेंटिंग्स बहुत अच्छे हैं। मैं सभी मुंबई वालों को निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप ये पेंटिंग देखने के लिए आइए कि मुंबई शहर और ग्रामीण इसका अलग मिलाव दिया है, अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स है। ये पेंटिंग का एग्जीबिशन जो है आज से दिनांक 23 जनवरी 2024 से 29 जनवरी 2024 तक नेहरू सेंटर में है। आप आइए, देखिए, सब आपको ये पेंटिंग्स पसंद पड़ेगी। एक ग्रामीण शैली का जीवन उन्होंने प्रदर्शित किया है। पर्यावरण को लेकर आप काफ़ी काम करते हैं, कुछ पेंटिंग्स वैसे भी हैं पर्यावरण को भी लेकर उन्होंने ध्यान रखकर पेंटिंग बनाई, आपको कितना सहयोग मिलेगा उसे, या आप क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण खासकर तो उस पेंटिंग में? पर्यावरण और एक्चुअली आई एम इन टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म एंड इनका जो पेंटिंग जो है वो अलग अलग डेस्टिनेशंस का उन्होंने प्रदर्शित कर सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, कि जैसा आपके होटल रिसोर्ट मोटेल इनके रूम्स में ऐसे ग्रामीण के चित्रकला फोटोज़ फ्रेम्स वगैरह लगने से टूरिज्म सेक्टर का ही बिजनेस बढ़ जाएगा और टूरिस्ट को ही पसंदी मिल जाएगी। और सर, ऐसे कलाकारों की जो जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं उनको एग्जीबिशन या अपनी पेंटिंग शोकेस करने के लिए जगह नहीं मिलता है, ऐसे विषयों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या लगता है? यस, ये जो कलाकार आर्टिस्ट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए टूरिज्म बींग एज अ टूरिज्म कोंकण डिवीजन में हम एक साथ काम करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट रुपेश पाटिल के साथ के पीछे है, सहयोग करेंगे एज बीइंग एज अ कोंकण डिवीजन। थैंक यू सर। तो मैं यही कहना चाहता था कि दुनिया भर में वैधानिक जो डेटा लेके आते हैं okay, उसका एक स्ट्रक्चरिंग, उसका एक विजुअल कलाकार कर पाते हैं okay? आप अगर देखेंगे जो जिस जहाँ से मतलब जिस उरण से वो बिलोंग करते हैं, तो उरण का एक भारत में नक्शा एक प्रस्तावित होने के लिए उन्होंने ग्रामीणता नाम का एक सब्जेक्ट चुना है। तो हमारा एक अतुलनीय एक उनका एक योगदान है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। उसी समय में अपेक्षा करूंगा कि जहाँ पे हमारा कम्युनिटी का नक्शा प्रस्तावित हो रहा है दीवा पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे, वहीं पे इनका भी एक योगदान आर्ट गैलरी से कुछ पिक्चर से वहाँ पे इस्टेब्लिश हो, ये मेरी विनती रहेगी और उसके लिए हम एक निवेदन जल्दी देने वाले हैं। वैसे ही जो टॉपिक इन्होंने चुना है उसमें ये दिखाता है कि हम जग भर में, हम एक इंडियन हैं, इंडिया में एक महाराष्ट्रीयन मराठी है और यहाँ पे हम भूमिपुत्र हैं। तो एक ग्रामीणता रूट कॉज का एक डेफिनेशन जो है कहाँ से आए हो उसको कनेक्ट करो, ये एक चीज़ बताता है। तो मैं रुपेश जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि ऐसे ऐसे नए विषय आप लेते आए और इसी तरह से एक एग्जीबिटिव आइडिया और एक एक्सप्रेशन दुनिया के सामने रखें। मुझे दादा आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी रुपेश जी ने आपके अजीत दादा चालीसा पढ़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना प्रभावित किया आपको आज का एग्जीबिशन? आपने, मैं देखा हूँ काफ़ी सालों से आप जुड़े हैं इनसे, लेकिन इस बार का क्या रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे अजीत दादा? मैं यही कहूँगा कि ग्रामीणता ये नाम ही ऐसे है कि जहाँ मतलब मुंबई में रह के कि अपने को उरण देखने का है, या ग्रामीण कौन सा भी भाग देखने के लिए ये शब्द काफ़ी है। और ये शब्द अभी आप चित्रकार देखेंगे तो उसमें सीधा दिखाई देता है कि ग्रामीणता क्या है, और ये उन्होंने अपने कलाकारी से दिखाई है। और मुंबई के सभी लोगों को मैं समझ कि जो चित्रकार जानते उन्होंने यह जरूर आते वो देखना जरूरी है। और इन्होंने बोला कि अगर वो एयरपोर्ट पर चित्र लगना जरूरी है ना, तो सच्चे होना कि वो जो लगना ही है, तो उनके लिए अगर वो चीज़ लगना तो मैं साक्षरी बोल लूँगा मुंबई से कि ऐसे ही आदमी का चित्र उधर लगना ही चाहिए, और मेरा शुभकामना है उनके साथ। आपको लगता है आपके जीते जी हो जाएगा ये? जरूर जरूर, जो भी चलेगा जो भी है, लेकिन ख्वाब तो रखता हूँ ना, तो होना होना जरूरी है बस। विकास जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज एग्जीबिशन को लेकर? आज जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि दो फैक्ट्री है, एक आइस फैक्ट्री और एक शुगर फैक्ट्री, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी मुझे
ये सब एग्जीबिशन देख के रामायण की याद आई, जो प्रभु श्री राम है वनवास जाके वापस आने के बाद जो उन्हें आनंद हुआ, वो तो इसलिए आनंद हुआ कि वो वनवास गए, अगर वो अयोध्या नहीं रहते तो शायद हम ये सेलिब्रेशन दिवाली नहीं करते। तो हम मुंबई में रहते हैं लेकिन हमको रूरल एक्सपीरियंस चाहिए हमारे घर में। तो रुपेश जी ने एक हमारा भारत का जो ग्रामीण जो लाइन है उसको हमारे घर में लेके आ रहे हैं, उसकी तरफ देख के उनको हमारे विलेज की तरफ जाने की इच्छा होगी। और एक आपको ऐसा मैसेज होगा कि हम है मुंबई में लेकिन हमको हमारे गांव ज़रूर जाना है, तो यही उनका यश है। तो मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और सभी मुंबई वासियों को आह्वान करता हूँ कि यहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म में आए और इस एग्जीबिशन का आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ कहना चाहेंगे आज का एग्जीबिशन कितना खास है और कई वर्षों से कर रहे हैं आपने देख के, इस बार का क्या कुछ खास है और इतना सपोर्ट देने के लिए लोग आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के एग्जीबिशन को लेकर? आज का एग्जीबिशन मेरा ये सोलो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है और इसी एग्जीबिशन के लिए जो मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो गेस्ट आए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट को बुश करने के लिए उनके पीछे विशेष देने वाले लोग और सपोर्ट करने वाले लोग इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मेरा स्ट्रगल तो चालू है, काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों के वजह से कुछ अच्छी बुस्ट और प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशंस मिल रहे काम करने के लिए। तो ये मेरा रूरलिटी के ऊपर जो एग्जीबिशन है, यहाँ पे मेरा धीरेन्द्र सर ने बताया 30, देर इज़ नॉट 30, यू कैन सी आपने देखा तो यहाँ पे मेरा 40 पेंटिंग्स है। मेरे को भी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा 40 पेंटिंग है सर, 30 तो मैंने किया था टारगेट, लेकिन 40 पेंटिंग यहाँ पे मेरा डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ये गैलरी मोस्टली ग्रुप एग्जीबिशन की रहती है, लेकिन यहाँ पे मेरा सोलो का एग्जीबिशन से मतलब मैंने 40 पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत कम टाइम में मैंने सब पेंटिंग्स किया और ये सब पेंटिंग जो है वो मैंने एग्जैक्ट वहाँ पर जाके बनाई है, मतलब रूरल एरिया में जाके लाइव किए हैं। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ पिक्चर रेफरेंस है, लेकिन ज़्यादातर मेरे को आउटडोर करने के लिए बहुत मज़ा आता है। मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं मोस्टली कोकन में वगैरह जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जाके हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे काम करके हम लोग को हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ से प्रैक्टिस करके अच्छी पेंटिंग्स बनती है। तो वो पेंटिंग हम लोगों के लिए यही एक मतलब स्पेस है, यही एक हमारी जगह है जहाँ पर हम हमारे पेंटिंग राइज कर सकते हैं, मतलब इन होम If we can store our paintings in home, it will be not a great value. It will become in galleries, it will be rise high. So that's why paintings, exhibitions gallery में लगती है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो उससे पता चलता है कि देखो हम लोग एक आइडल लाते हैं और वो मंदिर में लेके जाते हैं, मंदिर में जब वो आइडल जाते हैं तो उसका जो ग्लो रहता है हम लोग गणपति बिठाते हैं कितना अच्छा लगता है, वैसा हम लोगों को आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा जो फेस्टिवल्स रहता है वैसा ही मेरे को लग रहा है कि गणपति या दिवाली जैसा एटमोसफियर है, सब लोग आ रहे हैं और मेरे को विश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जो लोग आएंगे वो अच्छे मन से यहाँ पे आते हैं, तो वो विशेष हम मेरे को अच्छी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और मेरा काम अच्छा होने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। वर्षा मंगलम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, मंगल होगा पेंटिंग देख के लगा? जी बिल्कुल होगा, भविष्य मंगल है, बिल्कुल होगा। जैसे रुपेश जी ने बोला कि वो रूरल एरिया में जाके उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग की है, तो सिर्फ वो वहाँ की चित्रकारी लेकर नहीं आए हैं, वो वहाँ का जो भाव है, जो कहानी है, हर एक पेंटिंग कुछ कह रही है। जैसे मैंने सारी पेंटिंग्स उनकी देखी, सिर्फ उसमें ये नहीं है कि हम लोग कुछ एक 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 फिगर देख रहे हैं या लैंडस्केप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक स्टोरी दिखेगी, कहानी दिखेगी, और जो रुपेश ने उसे बहुत ही अच्छे से उसको उसमें प्रेजेंट किया है पेंटिंग में अपने, और एज एन आर्टिस्ट जब मैं उनका कलर पैलेट और जो वाइब्रेंसी और पेंटिंग में जो बोल्डनेस है, बहुत ही सुंदर बनाया रुपेश ने उसको, और भी ब्यूटीफुल तरह से दिखाया, तो बहुत ही पेंटिंग्स देख के हम लोग को अच्छा लगा। रमेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे जैसे रुपेश जी जैसे अक्सर जब इस उसमें आते हैं कला के क्षेत्र में और इस तरीके का बेहतरीन पेंटिंग करते हैं तो कितना प्राउड फील होता है? मैं तो मेरा स्थानिक आदमी है, मेरा भाई बहन है,
और वो पूरा भारत को 40 पेंटिंग के अंदर उन्हें उतार दिया ग्रामीण भारत मैंने पूरा भारत को उसको 40 पेंटिंग के अंदर ने उतार दिया है उन्हें उधर का अवलोकन किया है वो सब आपके सामने रखा है मुझे ये चीज का मेरे भाई का मेरे भूमिपुत्र का भगवान को ये मैं प्रार्थना करूँ कि दिन बन दिन वो बढ़ते रहे और ये सब चीज़ का मैं सुना हूँ कि और देखता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ये सब चीज़ के ऊपर अच्छा अभ्यास कर रहा है और उसका वो उसका चीज़ होना चाहिए और मेरा भाई दिन ब दिन आगे बढ़ना चाहिए मेरी कामना है और ये कामना जल्दी से पूरी होगी ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ एग्जीबिशन 23 से मतलब आज से स्टार्ट होगा तो 29 तक है तो ये 8 डेज में आप जरूर सब लोगों को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप प्लीज़ आई एम जस्ट इन्वाइटिंग एवरीवन टू सी माय एग्जीबिशंस देर आर द 40 पेंटिंग्स 40 पेंटिंग आप लोग को देखने को मिलेगा रूरल एरिया पे एरिया का है और वो आपको बहुत पसंद आएगा तो सब लोगों ने ये गैलरी में आना चाहिए किसी एक पेंटिंग के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें जैसे हालांकि हर पेंटिंग आपके लिए तो खास होती है लेकिन एक पेंटिंग इस बार जो आपने दिल से बनाया हो इस टाइम ये मेरा एग्जीबिशन ज़्यादातर मैं वाटर कलर पे काम करता था वाटर कलर में मेरा बहुत अच्छा हैंड है तो वो मेरे अच्छे पेंटिंग थे लेकिन अब मेरे आप वाटर कलर में भी 10% ही होंगे लेकिन ये एग्जीबिशन में आपको पता चलेगा आप सब एक पेंटिंग्स देखा तो पेस्टल्स जो मीडियम है वो मैंने अच्छे तरीके से हैंडल किया है उसमें अच्छे काम मेरे हो रहे हैं तो जो पेस्टल के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो मेरे को सबसे पसंद यहाँ पे हैं वो जो मैंने काम कर किया है इसको उसके ऊपर वो पोर्ट्रेट ज़्यादा नहीं थे मेरे पहले कम करता था लेकिन अभी लैंडस्केप्स के साथ साथ यहाँ पे 80% मेरा आपको पेस्टल्स देखने को मिलेगा और पेस्टल्स मीडियम वेरी हार्ड मीडियम है और वो मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई है